पंचायत राज चुनाव को लेकर बागड़ में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के नेता अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान 84 के विधायक राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता विधायक है, क्योंकि आपका विधायक आपसे अलग नहीं है। आप अगर हो तो राजकुमार विधायक है और आप भी विधायक हो, और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता विधायक है। इस दौरान बीजेपी के विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि हमारे साथ आज बैठे हैं हमारे आदिवासी बुजुर्ग और पूर्व विधायक नवनीत निनामा। उन्हें भी पता है कि कौन सी पार्टी सही है। 25 साल तक भाजपा में रहकर देखा है, सिर्फ बीजेपी पार्टी ही आदिवासी के विकास के बारे में सोचती है। वहीं पूर्व विधायक नवनीत निनामा ने सभा में कहा कि घाटोल में 25 साल पहले बीजेपी में ही लाया था और उसकी अब विदाई कर दी गई है। भाजपा को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले 4 बार बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा सीट से नवनीत निनामा विधायक रहे हैं। पिछली बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निनामा ने भाजपा से बगावत कर दी थी, जिसके बाद नवनीत निनामा को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। नवनीत निनामा निष्कासन के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया और कई बार उन्होंने मंच से बीजेपी का प्रचार प्रसार भी किया। राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा जिले की घाटोल विधानसभा के पड़ोली गोवर्धन, हिम्मत सिंह का गढ़ा, गूंदी वाले, सोना मगरी, बोरखी पाटा, भाटिया महादेव, उंडवेला हनुमान उम्मीदवारों के समर्थन में सभा की। साथ ही जनता से पंचायत राज चुनाव और जिला परिषद में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। क्या नाम है? बीजेपी कौन लगी है तू? अभी इतने कर वो इन्हें गई इन्हें कही दी तू सारी जरूरत नहीं है तने वापरी नरा दड़ा वापरी बंदो। ये क्षेत्र ग्राम पंचायत दूत का जगपुरा अभी नई पंचायत बनी डिंडोरिया है, और ये सोना मंगरी सोनामगरी पहले स्थान में बन गई, और डागल और देलवाड़ा के कार्यकर्ता व किसान भाइयों सुन लो, 1923 में ये भम्मावी सेठ आया था मेरे पास में 5 लाख रुपए लेकर के कि ये वापस कारखाना शुरू कर। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।